उसके पीछे आ जाइए आप लोग, एक बार सब उसके पीछे आइए। ग्यारह बजे रात वो अपना फेसबुक आईडी में वो पोस्ट करते हैं और साझा करते हैं, जो हम लोग हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो अभी चुनाव हम लोग जो अभी उपचुनाव लड़ रहे हैं मधुपुर में, हमें और मणिशंकर जी को प्रभारी बनाया था करों में, तो हम लोग अपना रिपोर्ट कार्ड देने के लिए गए थे और उन्होंने जो दिशा निर्देश दिया फेसबुक में हम लोग ने शेयर किया, वो फोटो वो उठा के अपने आईडी से वो देते हैं और साथ साथ ये हमको कहते हैं कि दिनेशानंद झा 6 महीना CGM में सजा हुआ है, तो वो या तो उसका मानसिक संतुलन अभी बिगड़ गया है क्योंकि वो जान रहे हैं कि हम उपचुनाव हार रहे हैं पूरी तरह से, इसीलिए उजुल फुजुल वो अपना जो है, और हम लोग का जो भी पार्टी में है अभी आज के डेट में महागठबंधन जो है फुल मेजोरिटी के साथ उपचुनाव हम लोग जो है सब मेहनत करके आज जो है 40,000 वोट से हम लोग जीतने जा रहे हैं, वो बात उनको हजम नहीं हो रही है और हमारे ऊपर जो वो एलिगेशन लगाए हैं वो प्रूफ करे मीडिया को और जितने भी है सार्वजनिक जितने भी हैं देवरवासियों की, जो मुझे कहाँ सजा मिली है, इसीलिए वो जो है मेरे व्यक्तिगत अपने छवि पर और मेरे इज्जत पर पड़ा है। ये लड़ाई अब जारी रहेगी और निशिकांत दुबे को सार्वजनिक जगह पर हम लोग को माफी जब तक नहीं मांगेगा ये लड़ाई हम लोग का जारी रहेगा। आज विरोध हुआ, आज से अब विरोध जारी रहेगा और अब लगातार उनके विरोध में जारी रहेगा और मानहानि का मैं केस करने जा रहा हूँ।